आपके इंडिया गठबंधन में मायावती को नहीं शामिल किया गया है, क्या लगता है शामिल होना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं? वहीं से अखिलेश यादव को शामिल किया गया लेकिन मायावती को नहीं किया गया। नहीं, किए करना चाहिए। क्या इस वजह से नहीं किया जा रहा है कि मायावती को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं सर। जिस तरह से कहा जा रहा है कि मायावती के बिना इंडिया गठबंधन अधूरा है, क्या कहना चाहेंगे? देश ही अधूरा है तो गठबंधन अधूरा नहीं रहेगा जी। देश ही अधूरा है मायावती के बगैर जी। और इस देश में दो ही आदमी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं जी, एक और देश बेचने वाला, एक और देश को बचाने वाला, जिसका नाम है मायावती जी। अब महागठबंधन के पास तो नेता है नहीं अभी। वो औकात यदि है तो महिला होकर भी औकात है तो मायावती को है जी, बाकी किसी को नहीं। साफ तौर पे आप ये कहना चाहते हैं कि अगर मायावती इंडिया गठबंधन में आती तो प्रधानमंत्री का चेहरा वो बनती, उस लायक थी वो? उस लायक है मायावती जी। इन लोगों का भी यदि भगवान सद्बुद्धि दे तो उसके आ जाके माथा पटक के उसको जोड़ ले अपने गठबंधन। अच्छा, नहीं सर, जिस तरह से इंडिया गठबंधन बना हुआ है, क्या लग रहा है एनडीए को टक्कर दे पाएगा? बिल्कुल, हाँ टक्कर देगा। कैसे? चूंकि दलित चेहरा इंडिया गठबंधन में नहीं है, बहुत सारा वोट जो है कि दलित के नाम पे नहीं मिलेगा इंडिया गठबंधन को। जो सवाल आप किए हैं जी, इस बिहार के अंदर, सूबे बिहार के अंदर जी, दलित, पिछड़ा, अकलियत या हमारी पार्टी जो है राष्ट्रीय जनता दल जी, वह ए टू जेड की पार्टी है, हमारे चुनावी एजेंडा में है जी। और खास करके बिहार में लालू प्रसाद से दलित का चेहरा, अति पिछड़ा का चेहरा कोई नहीं है जी। मैं बिहार की बात करता हूँ। और संजोग से लालू प्रसाद जी इंडिया गठबंधन में बनाए हैं और सबका वोट मिलेगा। यहाँ राष्ट्रीय जनता दल बक्सर संसदीय सीट पर या पूरे बिहार में बहुमत के साथ जीतेगा जी। हाँ, दलित का चेहरा लालू प्रसाद से कोई बड़ा नहीं है। अच्छा, हाँ। आरजेडी के आप क्या हैं? मैं राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश सचिव हूँ। अच्छा, हाँ। आप एक पदाधिकारी हैं, नाम अपना बताइए सर। राधे श्याम सिंह यादव। जिस तरह से इंडिया और एनडीए एक दूसरे के खिलाफ हैं, आप किसके साथ जाना चाहेंगे? हम लोग इंडिया के साथ। इंडिया के साथ हैं, एनडीए में काहे नहीं जाइएगा? एनडीए जो है गरीबों की पार्टी नहीं है, इंडिया गरीबों की पार्टी है, सारे वर्गों का ये नेतृत्व करने वाली पार्टी है। अब बहन जी से भी बात होना है, हो रही है, चंद्रशेखर जी भी हम लोगों के साथ हैं और खड़गे जी भी दलित चेहरा हैं। ये मत भूलिएगा कि खड़गे जी दलित चेहरा नहीं है, वो भी, खड़गे जी भी कांग्रेस के जो हैं वो भी दलित चेहरा हैं। मीरा कुमार भी यहाँ सासाराम से बगल में लड़ती हैं, वो भी दलित चेहरा हैं। दलित चेहरा इंडिया में तो बहुत ज़्यादा लोग हैं जी। हाँ, दलितों के साथ जो भी हो है वो न्याय करने वाली पार्टी इंडिया बनाई गई, इंडिया संगठन जो बना है वो न्याय करेगी जी। इस देश में राम मंदिर मोदी जी ने दिया है और मंदिर देने के बाद वो कह रहे हैं कि यह देश को राम मंदिर की आवश्यकता थी और इस देश की जनता हमारे साथ है, हम ही सरकार बनाएंगे। नहीं, वो तो भिखमंगा लोग कह रहे हैं ये सब। वो क्या बनाया है? सुप्रीम कोर्ट बनाया है राम मंदिर, सुप्रीम कोर्ट बनाया है। मंदिर बनने से भोजन थोड़े चलेगा। अच्छा, लोगों को रोजगार चाहिए और रोजगार इंडिया देगी। अच्छा, बिहार सरकार, इंडिया की जो है बिहार सरकार, वो आज 10 लाख रोजगार देने का काम कर रही है। अच्छा, इसी तरह हर प्रदेशों में हम लोग दबाव डालेंगे कि आप लोग करिए। अच्छा, और दबाव अच्छा पड़ेगा और काम भी अच्छा होगा। अच्छा, हाँ, माने मोदी जी को वोट नहीं करिए? अरे मोदी जी को किसी हालत में नहीं, वो पनौती आदमी है, ईवीएम की चोरी करके जीत जाता है। ईवीएम हटा दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जो केस है रिजर्व रखा गया है आदेश, ईवीएम हट जाएगा तो आदमी चित हो जाएगा जी। हाँ, चोट्टा ना है, गुजरात का सब चोट्टा आ गया है भारत के कुर्सी पर। आपके इंडिया गठबंधन में मायावती को नहीं शामिल किया गया है, क्या लगता है शामिल होना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं? वहीं से अखिलेश यादव को शामिल किया गया लेकिन मायावती को नहीं किया गया। नहीं, किए करना चाहिए। क्या इस वजह से नहीं किया जा रहा है कि मायावती को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे हमारा नेता प्रयास कर रहे हैं, किए हैं बहन जी को, बहन जी दलित का चेहरा है इस देश के अंदर, हम उनको नहीं नकार सकते जी। हाँ, हमारा दल नकार सकता है जी। अब क्या बात है, ऊपर के लोग बताएंगे, जगदानंद बताएंगे, लालू प्रसाद बताएंगे, तेजस्वी जी बताएंगे, वो तो ऊपर की बात है। हम लोग छोटे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन है दलित की चेहरा, इसी बात नहीं है, मानना चाहिए जी। आपको क्या लगता है, अगर वो इंडिया गठबंधन में आएंगी तो प्रधानमंत्री का चेहरा बन सकती हैं? देखिए, यह इंडिया गठबंधन है जी।
इसमें जो संयोजक होंगे, जो दल के पूरे देश के पदाधिकारी, लोग बीट करके तय करेंगे जिसकी योग्यता होगी होगा। देखिए पहले यही कांग्रेस गठबंधन लड़ा, मनमोहन जी दो बार प्रधानमंत्री हुए, कोई प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं था, लेकिन दो बार प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कांग्रेस का बना और हम लोगों के दल में उसमें शामिल था। हम लोग तो कोई चेहरा नहीं था, लेकिन दो बार प्रधानमंत्री हम लोगों ने बनाया, लालू प्रसाद ने बनाया, लालू जी गुजराल को बनाए, लालू जी देवगौड़ा के बनाए, कोई चेहरा रखकर तो लालू प्रसाद चुनाव नहीं कराए थे, लेकिन देवगौड़ा जी को बनाए, मैं बार बार दोहराता हूँ, गुजराल जी को बनाए, मनमोहन जी को बनाए, उस सरकार में लालू जी रेल मंत्री थे, रघुवंश बाबू ग्रामीण विकास मंत्री थे, पूरे बिहार में रोडों का जाल बिछाने का काम किया, जो मनरेगा मैन कहलाते थे रघुवंश प्रसाद जी, इसी गठबंधन में थे। ऐसी बात नहीं है कि हम मायावती जी को नकारेंगे, ये लोग हैं हमारे नेता, जब जाते हैं मायावती जी, लालू प्रसाद, मुलायम जी, तमाम लोग देश की संसद में बैठते हैं तो देश के गरीब, किसान, नौजवान, मजदूर, ये भारतीय जनता पार्टी भारत की संविधान को ख़त्म करना चाहती है। वो सारे इंडिया के लोग लपट करके जो बाबा साहब हमें संविधान दिए हैं उसको हम लोग मिटने नहीं देंगे, भले हम लोग मिट जाएंगे लेकिन संविधान को मिटने नहीं देंगे, ये हमारे मैनिफेस्टो में है। और भी हमारे यहाँ लोग हैं सर, क्या लगता है बड़े नेता मायावती जी को शामिल करना चाहिए कि नहीं इंडिया गठबंधन में? अब जो नहीं मायावती जी को शामिल कर रहे हैं वो दुर्भाग्य है जी, उनके गठबंधन का जी। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, यदि मायावती गठबंधन में नहीं हुई जी तो दलित के वोट एक नहीं मिलेंगे इंडिया गठबंधन को जी, और जितने वोट जिनके पास हैं उतने ही वोट रह जाएंगे जी, इंडिया के पास जितना वोट है उसके पास रह जाएगा, और एनडीए के पास जितना वोट है, जितना लोग समझ रहे उतने वोट इनको मिलेगा जी, तो किसको अधिक वोट मिल रहा है? इंडिया को ना जी जी। इसलिए इंडिया गठबंधन तो बनबे नहीं करेगा, पहले एक बार जान लो, इसलिए मैं कोई नेता किसी को मानने के लिए तैयार नहीं है जी, हूँ ममता जी भी हों, केजरीवाल साहब हों जी, अभी जिस बेचारे को इन लोगों ने आगे किया है, खड़गे साहब को जी, एक दूसरे को काटने के लिए जी, खड़गे साहब का प्रस्ताव किया जिसने, वो बैठे रह गया, एक समर्थन किया, एक प्रस्ताव किया, और दूसरे नेता दोनों हाथ एक दूसरे का पकड़े बाहर निकल गए। नीतीश कुमार का भी प्रस्ताव आना चाहिए था, उतने ही लोगों में वोट होना चाहिए था कि कौन संयोजक रहेगा, इसलिए बनने वाला नहीं है। आपके हिसाब से इंडिया का गठबंधन अभी भी फाइनल नहीं है? बनेगा ही नहीं, बना ही नहीं है, बनेगा नहीं। अच्छा, माने कोई प्रधानमंत्री, सारे महत्वाकांक्षी है प्रधानमंत्री के, जितने सारे लोग हैं सब प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में लगे हुए हैं, सबके अंदर लालच है। जिसको हिंदुस्तान का भूगोल का ज्ञान नहीं है जी, दुर्भाग्य से 10 आदमी का नेता बन गया है जी, वो अभी चाहता है प्रधानमंत्री की कुर्सी जी, समझे? तो प्रधानमंत्री की कुर्सी एक ही ना है जी, जिस पर नरेंद्र मोदी बैठे हुए जी, तो नरेंद्र मोदी का विकल्प पहले खड़ा करो किसी को जी, जो उसकी औकात का हो, जो पूरे देश में दौड़ सके जी, वो पागल की तरह नहीं ना बनाया लोग उसको, एक साल पहले उसको नेता मान लिया जी, राजनाथ बाबू ने प्रस्ताव करके जी, और एक साल वो पूरे हिंदुस्तान में दौड़ा जी, 400 सभा किया चुनाव से लेकर, और एक साल उसने, यहाँ किसकी औकात है 400 सभा करने का? वो औकात यदि है तो महिला होकर भी औकात है तो मायावती को है जी, बाकी किसी को नहीं। साफ तौर पे आप ये कहना चाहते हैं कि अगर मायावती इंडिया गठबंधन में आती तो प्रधानमंत्री का चेहरा वो बनती, उस लायक थी वो, उस लायक है मायावती जी, इन लोगों का भी यदि भगवान सद्बुद्धि दे तो उसके आ जाके माथा पटक के उसको जोड़ ले अपने गठबंधन। अच्छा, नहीं तो इंडिया टूट जाएगा। है ये नहीं है, बना ही नहीं तो टूटेगा क्या जी? इंडिया गठबंधन बना ही नहीं है, 4-5 मीटिंग हो गई जी, खसी के शिकार और मुर्गा के शिकार भी राहुल गांधी जी खा लिए जी, लेकिन संयोजक किसी को नहीं बना सकते जी। अभी खड़गे साहब का नाम दिया है लोग तो दो आदमी उठ के, बड़े नेता दो उठ के चले गए उस मीटिंग से जी, फिर कल परसों में बैठक होने वाली है, देखिए कई लोग जाते हैं, इसलिए सब फालतू चीजें हैं, पहले महत्वाकांक्षा तो अपना छोड़ो। अर्थात जिस तरह से आप देख पा रहे हैं, ये बातें जिस तरह से की जा रही हैं कि बिना मायावती का जो है कि इंडिया गठबंधन पूरी तरह से परिपूर्ण नहीं है, अभी तक ये अभी फाइनल नहीं हो पाया है कि इंडिया गठबंधन से प्रधानमंत्री कौन बनेगा। और भी यहाँ पे लोग हैं,
सर जिस तरह से कहा जा रहा है कि मायावती के बिना इंडिया गठबंधन अधूरा है, क्या कहना चाहेंगे? देश ही अधूरा है तो गठबंधन अधूरा नहीं रहेगा जी। देश ही अधूरा है मायावती के बगैर जी। और इस देश में दो ही आदमी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं जी, एक और देश बेचने वाला, एक और देश को बचाने वाला, जिसका नाम है मायावती जी। अब महागठबंधन के पास तो नेता है नहीं अभी जी, और उनके पास मजबूरी होगा कि बहन जी जरूरी है यार, हम लोग पूरे देश तो BSP को मान ही लिया है जी। अब उनको मानना है न माने उनकी कमजोरी है, उनकी कमजोरी है, वो अपनी कमजोरी को दर्शाएं या नहीं तो हमारे को नेता माने, बहन जी को देश का मान के चले, यही बात है और क्या। और भी यहाँ पे लोग हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं। हाँ सर, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि मायावती के बिना इंडिया गठबंधन अधूरा है, ऐसा बात है कि दिल्ली में जाकर सब तय करेंगे, और नीतीश कुमार बिहार में लंबा समय से सरकार चला रहे हैं और मजबूत हैं, और किसी को मजबूरी है कि नीतीश कुमार को बारी बारी से मानते रहे हैं, और बिहार की जनता नीतीश कुमार को काम के बदौलत और देश में चाहती है कि ऐसा प्रधानमंत्री बने, और वैसा ही सामान्य प्रधानमंत्री हो जाएगा तो पूरा भारत का कल्याण होगा, जिस तरह बिहार का कल्याण हो गया, ऐसा नेता चाहिए हम लोगों का। और गठबंधन तय होगा जाकर दिल्ली में, इसमें कोई दो रहा, अभी तो चल रहा है, उसमें बातचीत हो रहा है, जहाँ ऊंट करवट बैठेगा वहाँ हो जाएगा, बहुत घबराने की बात नहीं है। लेकिन देश में समझ ले कि 76 इंच का सीना है तो नीतीश कुमार का है, और नरेंद्र मोदी अपने 56 इंच का सीना कह रहे हैं, तो पूरे देश में जाति जनगणना करा के दिखा दे उनकी कितनी ताकत और औकात है। जुमलेबाजी से नहीं चलेगा, और समझ ले कि देश मंदिर मस्जिद से नहीं चलता है, संविधान से चलता है, और भारत में जनता को काम चाहिए, रोजगार चाहिए, व्यवस्था चाहिए, सुरक्षा चाहिए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवेज में कोई भी सामाजिक सुरक्षा है कि नहीं है वो कोई ठिकाना नहीं है। और बिहार में नीतीश कुमार 18 वर्ष चलाए हुए हैं बिहार को, और समझ लीजिए कि किसी तरह के किसी भी जनता को दिक्कत नहीं है। सवाल हमारा ये था, हाँ बोलिए, मायावती के बिना गठबंधन अधूरा है कि नहीं, इस बात का वो आएंगी तो समय आएगा तो उनको भी शामिल कर लिया जाएगा, वो बड़ी बात नहीं है। सर घुमाइए मत, हाँ जवाब को घुमाइए मत, साफ बताइए, हाँ मायावती के बिना इंडिया गठबंधन अधूरा है कि नहीं है? वो मायावती जी आएंगी तो ऊपर से दिल्ली जाकर बात होगी, समय आएगा तो उनको भी रख लिया जाएगा, लेकिन अब तक सबसे बड़ा चेहरा नीतीश कुमार का है भारत में, काम और ईमानदारी का नाम पर, जुमलेबाजी का नाम पर नहीं, जमीन पर काम किए हैं नीतीश कुमार, 12 बजे रात का, कईयों बजे रात का जाल बिछा दिए हैं, और नल जल नौकरी का, और किसी भी भारत में चैलेंज है कि नीतीश कुमार इतना नौकरी कोई नहीं दिया है, ये चैलेंज है मेरा, डाटा है जी। हाँ, और लोग जुमलेबाजी किए हैं। अच्छा, ये आप प्रश्न करते हैं कि भाजपा से आप मोदी से एलर्जी क्या है जी, बताइए इस प्रश्न का जवाब। आप प्रश्न कीजिए किसी से, आखिर क्यों नहीं उसको उनको चाहते हैं? हाँ बताइए, क्यों नहीं चाह रहे हैं बताइए। अरे मोदी जी, आप भाजपा की सरकार में तो जो सरकार में है वो ठीक ठाक है, और जो जितने विपक्षी नेता है वो खदेड़े जा रहे हैं, मारे पीटे जा रहे हैं, और वही नेता कल जा करके भाजपा ज्वाइन कर ले तो सबसे ठीक हो जाता है। तो जितने जो भाजपा में नहीं रहेगा वो देश में नहीं रहेगा ना, जो भाजपा में नहीं रहेगा वो देश में नहीं रहेगा, वो खदेड़ा जाएगा, वो तरह तरह के, अभी नाम आया था मुख्तार अंसारी को आजकल करने के लिए, कब उनके यहाँ बुलडोजर जाएगा? और सुने अफवाह थोड़ा सा कि उनका लड़का जो है भाजपा ज्वाइन करने जा रहा है, अब उनके यहाँ बुलडोजर नहीं जाएगा। नमस्कार, मैं प्रज्ञा टाइम्स चैनल से ऋतिक रोशन आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप बहुजन पत्रकारिता में प्रज्ञा टाइम्स चैनल को मदद करना चाहते हैं तो आप हमें मदद कर सकते हैं। हमारा फोन पे गूगल पे नंबर है 9934240303, इस पे आप पेटीएम भी कर सकते हैं। आपका एक एक पैसा बहुजन मिशन के काम आएगा, बहुजन पत्रकारिता के काम आएगा। देश भर में जहाँ भी बहुजनों के ऊपर अत्याचार होता है वहाँ हम जाएंगे और उनकी आवाज़ को उठाने का काम करेंगे। तो आप बहुजन पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें, हमें आर्थिक सहायता करें। धन्यवाद।